हुई है कुछ? प्रशासन द्वारा लकड़ियाँ काटी गई थी तो वो सूखी लकड़ियों में किसी ने आग लगा दी पीछे, तो मैं बाहर गेट से आ रही थी तो देखा कि पीछे आग लगी हुई है। कितनी देर हो चुकी है मैडम आपको लगे हुए? आधा घंटा। फायर ब्रिगेड फोन करा था आपने? हाँ कर दिया। तो अभी तक आई फायर ब्रिगेड? अब आने वाली होगी, टाइम तो लगेगा। मैडम आधा घंटा हो गया अभी तक फायर ब्रिगेड, क्या मानते हो लापरवाही है? हाँ वो तो है ही। किस जगह की घटना है मैडम? ये मृदंग टॉकीज के सामने रेलवे क्वार्टर। ठीक है, आपका नाम? पुष्पा। आओ भैया, उनके सामने यहाँ पे आग लगी है, पिछले पौन घंटे आधा पौन घंटा हो चुका आग लगे थे, कोई आया नहीं है, पुरानी लकड़ियाँ काटी हुई है जो ये पीछे टीले की सफाई कर रही थी रेलवे द्वारा, जिसमें सारी लकड़ियाँ इधर ही छोड़ दी, किसी ने आग लगा दी है यहाँ पे, जो पता ही नहीं है काबू के बाहर है, जान माल का नुकसान हो। आसपास में कोई मकान भी थे यहाँ पे? भाई आसपास में मकान भी थे, मकान है पूरे आजू बाजू पूरे तरह मकान है, पर कोई सफाई नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं करा हुआ है। तो फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं? फायर ब्रिगेड तो अभी तक आई नहीं है, पौन घंटे होने को आ रहा है। तो आग पे कैसे काबू पाया? खुद ही कर रहे हैं अभी तो, सारी मेहनत खुद ही कर रहे हैं। या मकान किसका है पास? मकान सारे आजू बाजू पूरे रेलवे कॉलोनी है पूरी, है तो बीच में है बिल्कुल ही, आग भी है। आपका नाम बताइए? सुमित खंडेलवाल। हमें सूचना मिली थी कि मृदंग सिनेमा के सामने जो रेलवे क्वार्टर है उनके बैक साइड में कोई झाड़ियों में आग लगी हुई है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने हमारी गाड़ी नंबर 207 नंबर है उसको रवाना किया और तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद ये पता लगा कि भाई झाड़ियों में आग थी, जिसको हमने बुझाकर पूर्णतः बुझा दी है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई? किसी प्रकार की कोई जनहानी भी नहीं हुई है ना कोई, और कोई पास में मकान वकान भी था? पास में मकान था, रेलवे का क्वार्टर है उसके पीछे थी बैक साइड में, बाकी कुछ ऐसा कोई जलने लायक कुछ था नहीं, लकड़ियाँ थी झाड़ियाँ थी वही था। नाम मेरा मुकेश शाह चौधरी।